हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं कार्बोहाइड्रेट क्या है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, जो आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में गहराई से सभी बातें पूरा वीडियो देखने के बाद जान लेंगे। दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन क्या है, हेल्थ क्या है इसकी सभी परिभाषाएँ मैं बता चुकी हूँ। एंड दोस्तों, पोषक तत्व संतुलित आहार क्या है इसके बारे में भी बता चुकी हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, इसको किस आधार पर किन किन भागों में बांटा गया है ये बता चुकी हूँ। आज मैं वर्ल्ड कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में बताऊंगी। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के बनाए गए हैं और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का प्रैक्टिस भी कराया गया है। तो दोस्तों, सभी वीडियोज को देख करके आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो जैसा कि दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड या शर्करा भी बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड या शर्करा भी बोलते हैं। सैकेराइड्स, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है शुगर। जैसा कि दोस्तों, इसका कार्बोहाइड्रेट का अर्थ तकनीकी रूप से कार्बन का हाइड्रेट है, ठीक है। कार्बन का हाइड्रेट यानी किसी पदार्थ का पानी में घोल, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है, यानी कार्बन का हाइड्रेट यानी किसी पदार्थ का पानी में घोल। दोस्तों, शरीर के लिए कुल ऊर्जा का हमको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता 55 से 60% भाग का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 55 से 60% हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, एंड प्रोटीन की 10 से 15%, एंड वसा की 20 से 30%, ठीक है। एंड दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि वसा से कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जबकि वसा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अब सोचिए कि वसा कार्बोहाइड्रेट से 2.5 से 3 गुना ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, फिर भी वसा से कम मात्रा में ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, क्यों? और कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो वसा होता है उससे ऊर्जा प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है, तथा कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आप देखते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, यानी कि 55 से 60% भाग हम खाने में कार्बोहाइड्रेट का रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तुरंत हमको एनर्जी देता है, ठीक है। जैसे अनाज हो गया, गेहूं, चावल, ठीक है। एंड दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो है आसानी से ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, अतः यानी कि पच जाता है। अधिकतर ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से हमको प्राप्त होती है, 55 से 60%। एंड दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बता चुका है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, एंड 1 ग्राम प्रोटीन से हमारे शरीर को 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, एंड 1 ग्राम वसा से हमारे शरीर को 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के निश्चित मात्रा से बना हुआ है, ठीक है, निश्चित मात्रा से बना हुआ है। जैसा कि यह 1:2:1, यानी कि कार्बन का 1 भाग और हाइड्रोजन का 1 भाग 2 भाग एंड ऑक्सीजन का 1 भाग 1:2:1 से बना होता है, यानी कि इसका सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित मात्रा से बना हुआ है, और इसका अनुपात कभी पूछेगा तो 1:2:1, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों,
इस कार्बोहाइड्रेट का यदि हम निर्धारित मात्रा से यानी कि 55 से 60% से अधिक अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं आप अपने भोजन में, तो जितना आपको आवश्यकता है कार्बोहाइड्रेट का, अगर उससे ज्यादा लेते हैं तो वह कार्बोहाइड्रेट वसा में परिवर्तित होकर, ठीक है, वह कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है आप ज्यादा लेंगे तो वसा में, और वसा में परिवर्तित होकर एडिपोज टिश्यू के नीचे फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल के रूप में जमा हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वसा जो है हमारे एडिपोज टिश्यू के नीचे फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल के रूप में जमा हो जाता है। तो इस प्रकार आवश्यकता से अधिक यदि आप हम लेंगे कार्बोहाइड्रेट जितना जरूरत है उससे ज्यादा, तो वह वसा में परिवर्तित हो जाएगा, और वसा में परिवर्तित होकर एडिपोज टिश्यू के नीचे फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल के रूप में जमा हो जाता है। और क्या होगा, और ग्लाइकोजन के रूप में लीवर तथा मांसपेशियों में जमा हो जाएगा। जब हमको ऊर्जा की जरूरत होगी तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होकर के पुनः हमको ऊर्जा देता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों, कहाँ जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में? कार्बोहाइड्रेट लीवर में और मांसपेशियों में, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है यह। एंड दोस्तों, एक साधारण वयस्क व्यक्ति को प्रति घंटे 1.3 कैलोरी प्रति केजी या बॉडी वेट की आवश्यकता होती है। एंड ट्रेनिंग के दौरान एक एथलीट को 1 घंटे में 8.5 कैलोरी प्रति केजी या बॉडी वेट के हिसाब से आवश्यकता होती है। एंड दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति को शुगर तथा स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रतिदिन 300 ग्राम अपने भोजन में लेना चाहिए। ठीक है। एंड दोस्तों, सभी प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट हैं, इसका पाचन क्रिया के लिए पहले यह साधारण शुगर में परिवर्तित होता है, फिर इन्हें रक्त ग्लूकोज के रूप में लेकर यकृत व पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित करता है, जिसे ऊतक जो है यानी कोशिकाएं जो है वो ऊर्जा के लिए इन्हें पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करके प्रयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लिए भोजन में यानी कि चावल रोटी चावल आप खाए कार्बोहाइड्रेट लिए, तो हमारे शरीर में जाकर के वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज में, साधारण शुगर में ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और वह यकृत व पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है। जितना हमको शरीर को आवश्यकता हुआ ऊर्जा, उतना तो हमारे मांसपेशी कोशिकाएं उस ऊर्जा को ले लेती हैं, पर जो बचता है वो कहाँ जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और पेशियों में जमा हो जाता है। जब पुनः हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यही ग्लाइकोजन जो है पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर के हम ऊर्जा को पुनः प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि दोस्तों, यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है शर्करा यानी सैकेराइड्स, यह 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जैसे कि दोस्तों, इसको 2 प्रकार से हम बांटते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को 2 प्रकार से हम बांटते हैं, सरल शर्करा यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट या शुगर, और दूसरा जटिल शर्करा यानी कॉम्प्लेक्स शुगर। सरल शर्करा में मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड आता है, और जटिल शर्करा में पॉलीसैकेराइड आता है। सरल शर्करा का मतलब होता है दोस्तों कि इसका पाचन आसानी से हो जाता है। ठीक है। एंड जो जटिल शर्करा होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, उसका पाचन जो है जटिल होता है। जो सरल शर्करा है उसके अंतर्गत मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड आता है। मोनोसैकेराइड क्या होता है? जो मोनोसैकेराइड होता है शर्करा यानी कि ग्लूकोज के एक अणु से बनता है। मोनोसैकेराइड क्या होता है? शर्करा यानी ग्लूकोज के एक अणु से बनता है। डाइसैकेराइड शर्करा यानी ग्लूकोज के 2 अणु से बनता है। एंड जटिल शर्करा जो होता है शर्करा यानी ग्लूकोज के 2 से अधिक अणुओं से बनता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, और जटिल जो है 2 से अधिक शर्करा से अणु से बनता है। सबसे पहले बात करेंगे मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड जो होता है वो ग्लूकोज यानी शर्करा के एक अणु से बनता है। इसके अंतर्गत आपका आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जिसमें से ग्लूकोज जो होता है उसको रक्त शर्करा भी बोलते हैं। यह वनस्पति गन्ने और चुकंदर से प्राप्त चीनी में मिलता है। पुनः पाचन नहीं होता, तुरंत ऊर्जा देता है यह। ठीक है, यह क्या करता है? तुरंत ऊर्जा देता है, इसलिए खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या देना चाहिए सबसे ज्यादा, तो कार्बोहाइड्रेट। एंड दोस्तों,
मोनोसेक्राइड के अंतर्गत दूसरा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है फलों व शहद में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसमें से भी शहद में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में फ्रक्टोज पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फ्रक्टोज का सबसे उत्तम स्रोत है शहद। ठीक है, जबकि फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है, फलों व शहद में, उसमें से शहद में सर्वाधिक मात्रा में फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, और लेवलोस फूड शुगर या फलों की शर्करा इसको कहते हैं। ठीक है, फलों की शर्करा इसको कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि फलों की शर्करा किसको बोला जाता है, तो फ्रक्टोज को बोला जाता है। और तीसरा है मोनोसेक्राइड में ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जो है दूध संबंधी उत्पादों में मिलता है, जैसे कि इसको मिल्क शुगर भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे डाइसेक्राइड की। डाइसेक्राइड दोस्तों शर्करा के दो अणु से मिलकर बना होता है, जैसे कि इसके अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आता है। माल्टोज जो है ग्लूकोज के दो अणु से मिलकर बना होता है, कितने अणु से, दो अणु से। इसको माल्ट शुगर भी बोला जाता है, ये अनाजों में पाया जाता है, इसलिए इसको अनाज की शर्करा भी बोला जाता है। एंड दूसरा है डाइसेक्राइड के अंतर्गत सुक्रोज। यह सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज के मिलने से बनता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज के मिलने से बनता है। ठीक है, इसको गन्ने की शर्करा भी बोला जाता है, यह गन्ने चुकंदर से प्राप्त होता है सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट है डाइसेक्राइड में लैक्टोज। यह लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। यह दूध या डेयरी के उत्पाद में पाया जाता है, इसको भी मिल्क शुगर बोला जाता है। तो दोस्तों ये था आपका सरल शर्करा, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, जिसका पाचन आसानी से हो जाता है। एंड अब बात करते हैं जटिल शर्करा के अंतर्गत पॉलीसेक्राइड की। पॉलीसेक्राइड जो होता है इसका पाचन जटिल होता है, और यह शर्करा के यानी ग्लूकोज के दो से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है। इसके अंतर्गत आपका ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन आता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन ऊर्जा प्रदान करने के लिए न्यूनतम इकाई ग्लूकोज में इसको टूटना पड़ता है। जैसे कि ग्लाइकोजन हमारे शरीर में जमा होता है या कृत मांसपेशियों में, जब ऊर्जा हमको जरूरत होती है तो वही ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर के हमको ऊर्जा देता है। एंड दूसरा है पॉलीसेक्राइड में स्टार्च। यह पौधों में संचित भोज्य पदार्थों में जैसे कि आलू, चावल, गेहूं आदि में पाया जाता है। सबसे ज्यादा स्टार्च गेहूं में पाया जाता है। एंड तीसरा है पॉलीसेक्राइड में सेलुलोज। सेलुलोज दोस्तों जैसे प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला शर्करा है सेलुलोज। जैसे कि दोस्तों आप साग खाते हैं, साग में क्या है, सेलुलोज पाया जाता है। जैसा कि देखते होंगे साग आप खाने के बाद जल्दी से उसका पाचन नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। यदि आप साग खा लिए तो ज्यादा भोजन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सेलुलोज जो है प्रकृति सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला शर्करा है। जैसे कि दोस्तों सेलुलोज जो है मानव उतना जल्दी से नहीं पचा पाता है, लेकिन जानवर इसको आसानी से पचा लेते हैं। चौथा है पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत काइटिन। यह क्या होता है, कीटों तथा मच्छरों के पंख, कॉकरोच के पंख तथा पैर, घेंघा के कवच में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, सरल और जटिल के आधार पर दो प्रकार की सरल शर्करा और जटिल शर्करा। सरल शर्करा के अंतर्गत मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, जटिल शर्करा के अंतर्गत पॉलीसेक्राइड। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। जैसे कि हम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा लेते हैं, उसी से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूं कि ऊर्जा देने वाले आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है, ऊर्जा देने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले और रोगों से रक्षा करने वाले। जैसे कि ऊर्जा देने वाले में आपका कार्बोहाइड्रेट वसा है, शरीर का निर्माण करने वाले में प्रोटीन है, रक्षा करने वाले में विटामिन एंड खनिज लवण है। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य है कि हमको ऊर्जा प्रदान करता है और वसा के ऑक्सीकरण को धीमा करता है। अब प्रोटीन यानी प्रोटीन वो वसा की बचत करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। किसका, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। कैल्शियम का अवशोषण करता है, मल विसर्जन में सहायक होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है दोस्तों, यह इसमें अनाजों में पाया जाता है, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, जौ
और फलों में साबूदाना, पपीता, सेब, अमरूद, केला, नाशपाती। सब्जियों में अरबी, आलू, सिंघाड़ा, कद्दू। ठीक है, शक्कर युक्त में चीनी, गुड़, बूरा, शहद, चुकंदर, किशमिश, अंगूर, खजूर, गन्ना, चीकू, इस सब में पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि पॉलीसेकेराइड्स जो होता है, जटिल शर्करा, पॉलीसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट के लिए मोनोसेकेराइड की लंबी चेन होती है जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स से जुड़ी होती है। एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स जो होता है दो प्रकार का होता है, अल्फा बॉन्ड्स और बीटा बॉन्ड्स। अल्फा बॉन्ड्स जो होता है वो स्टार्च यानी कि प्लांट शुगर फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, यानी प्लांट से जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, अनाज वगैरह, उससे ये, जैसे कि इसके अंतर्गत एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन आता है। और बीटा बॉन्ड्स के अंतर्गत फूड्स इन फाइबर यानी कि जो फूड्स होते हैं ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया। तो दोस्तों आज हमने जाना कार्बोहाइड्रेट क्या है। जैसा कि दोस्तों यदि आप बैठ के काम कर रहे हैं तो आपके लिए, महिलाओं के लिए 2100 कैलोरी और पुरुषों के लिए 2500 कैलोरी की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। एंड अगर साधारण काम कर रहे हैं तो 2500 कैलोरी, महिलाओं के लिए 3000 कैलोरी पुरुषों के लिए, और कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो 3000 कैलोरी महिलाओं के लिए, 3600 कैलोरी पुरुषों के लिए आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में वसा यानी फैट्स क्या है इसके बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और जुड़े रहिए मेरे चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।